आजकल हर कोई हेल्दी खाना खाना पसंद कर रहा है, तो मैं भी कोशिश कर रही हूँ आप लोगों के साथ हेल्दी रेसिपी शेयर करूँ जो आपके लिए यूज़फुल हो। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ हेल्दी ब्रोकली सैलेड की रेसिपी। ब्रोकली में एंटीऑक्सीडेंट और बहुत सारे मिनरल्स और विटामिन्स होते हैं, और इसमें बहुत सारे ऐसे चीज़ें ऐड करेंगे जिसमें काफ़ी विटामिन्स होते हैं जो हमें एंटी एजिंग और स्ट्रॉन्ग रखने में मदद करता है। तो मैं हूँ सोमार, आपका स्वागत है सोमार्स किचन में। तो चलिए आज की मज़ेदार हेल्दी रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। ब्रोकली सैलड बनाने के लिए हम 1 टेबलस्पून सेसमी सीड लेंगे यानी व्हाइट तिल। इसे कुछ सेकंड्स के लिए ड्राई रोस्ट कर लेंगे। गैस का फ्लेम यहाँ पे लो रख के इसे कुछ देर ही हम भून लेंगे। तो हमारा सेसमी सीड भून के तैयार है, अब इसे हम निकाल लेते हैं। अब सेम पैन में मैं 1 से 1.5 कप पानी ऐड कर रही हूँ। पानी को हल्का सा गर्म होने देते हैं। पानी हमारा अच्छा गर्म हो चुका है, अब इसमें हम ऐड करेंगे 1/2 कप स्वीट कॉर्न्स और साथ में 1 फुल ब्रोकली। ब्रोकली को ऐड कर देते हैं पानी में। हम एक साथ दोनों को अच्छे से बॉईल कर लेंगे। साथ में 1/2 टेबलस्पून नमक। अब इसे हम ढक के 2 मिनट तक ब्लंच होने के लिए छोड़ देते हैं, यानी बॉईल होने के लिए छोड़ देते हैं। इस सैलेड में ब्रोकली को 1 से 2 मिनट तक जरूर ब्लंच कर लें, इससे ब्रोकली में जो गंदगी रहता है वो बाहर निकल जाएगा। 2 मिनट बाद हम ढक्कन हटाएंगे, एक बार इसे चला लेते हैं। अब गैस को हम बंद करके पानी से इसे छान लेते हैं। ब्रोकली को आप जब ब्लंच करें तो स्वीट कॉर्न को साथ में डाल दें, इससे हमारा टाइम भी बचता है, दोनों काम एक साथ हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की ओर, जिसके लिए एक पैन गरम करेंगे। पैन के गरम होते ही इसमें ऐड करूंगी 2 से 3 चम्मच ऑयल। आप इस रेसिपी में ऑलिव ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तेल के गरम होते ही इसमें मैं ऐड करूंगी 4 कटा हुआ आलमंड्स, जिसको हम पतले लंबे स्लाइसेस में कट कर लिए हैं। अब इसे कुछ सेकंड्स के लिए फ्राई कर लेंगे। ध्यान रहे आलमंड्स हमारा जलना नहीं चाहिए, बस हल्का सा इसे फ्राई कर लेंगे। आलमंड्स हमारा फ्राई होके तैयार है, इसे हम तेल से अलग कर लेते हैं। अब बचा हुआ तेल में हम पनीर को भी फ्राई कर लेंगे। मैं यहाँ पे 100 ग्राम पनीर को छोटे क्यूब्स में कट कर ली हूँ। अब पनीर को 1/2 मिनट के लिए हम फ्राई करेंगे। ज्यादा देर इसे फ्राई ना करें, वरना पनीर रबर जैसा हो जाएगा। पनीर हमारा फ्राई हो चुका है, पनीर को भी हम निकाल लेंगे। अब सेम पैन में मैं 1 चम्मच बटर ऐड कर रही हूँ। आप चाहे तो बटर को स्किप भी कर सकते हैं। जब बटर अच्छे से मेल्ट हो जाए तो इसमें ऐड करेंगे हम 2 से 3 कटा हुआ हरी मिर्च, साथ में 1 इंच कटा हुआ अदरक, 6 से 7 कटा हुआ लहसुन। गैस का फ्लेम हम मीडियम रख के इसे कुछ देर तक फ्राई करेंगे। जब अदरक और लहसुन अच्छे से फ्राई हो जाए तो इसमें मैं ऐड करूंगी 1 कटा हुआ प्याज। प्याज को मैं छोटे क्यूब्स में कट कर ली हूँ। हमें यहाँ प्याज को गोल्डन ब्राउन करने का जरूरत नहीं है, बस हल्का सा हम फ्राई कर लेंगे। प्याज जब हमारा हल्का सा फ्राई हो जाए तो इसमें हम ऐड करेंगे बेल पेपर्स यानी कैप्सिकम। मैं यहाँ पे 3 तरह का कैप्सिकम यूज कर रही हूँ, ग्रीन, रेड एंड येलो। आपके पास जैसे कैप्सिकम अवेलेबल हो अपने हिसाब से बना सकते हैं। अब इसे कुछ देर हम फ्राई कर लेंगे। कैप्सिकम में भरपूर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो हमारे सिस्टम के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। सारे वेजिटेबल्स हमारे फ्राई हो चुके हैं, आप देख सकते हैं मैं प्याज और कैप्सिकम्स को कितना ज्यादा क्रंची रखी हूँ। बस इतना रखें, ज्यादा इसे फ्राई ना करें। अब हम इसमें ऐड करेंगे ब्रोकली और स्वीट कॉर्न्स। अब अच्छे से इसे मिक्स कर लेते हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे स्वाद अनुसार नमक। आप यहाँ पे नॉर्मल नमक की जगह रॉक सॉल्ट का भी यूज कर सकते हैं। अब नमक को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब इसे ढक कर के 1 मिनट तक हम फ्राई कर लेंगे। गैस का फ्लेम यहाँ पे मीडियम रखें। 1 मिनट बाद ढक्कन हटा के इसे एक बार चला लेंगे। जब सारे वेजिटेबल्स अच्छे से फ्राई हो जाए तब इसमें हम ऐड करेंगे फ्राई किया हुआ पनीर, साथ में फ्राइड आलमंड्स। अब इसे हम 1/2 मिनट के लिए सारी चीज़ों के साथ अच्छे से फ्राई कर लेंगे। आप सोच रहे हैं हम ये रेसिपी एंटी एजिंग बना रहे हैं, फिर इसमें फैट का यूज़ क्यों करें, यानी पनीर का यूज़ क्यों करें। बट हमारे बॉडी के लिए हल्का फैट का भी ज़रूरत है, बट राइट फैट का यूज़ करें। साथ में हम यहाँ पे 1/4 टेबलस्पून ब्लैक पेपर पाउडर लेंगे, 1/4 टेबलस्पून गरम मसाला पाउडर। अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसे। अब लास्ट के 1/2 मिनट इसे फ्राई कर लेंगे। पनीर ऐड करने के बाद 1/2 मिनट इसे फ्राई हो चुका है। अब लास्ट में हम यहाँ ऐड करेंगे रोस्टेड सेसमी सीड। अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसे। हेल्दी ब्रोकली सैलेड बनके तैयार है। अब गैस बंद करके इसे हम सर्व कर लेते हैं। 10 मिनट में बनने वाली हेल्दी ब्रोकली सैलेड की रेसिपी तैयार है। तो देखा आपने इसे बनाना कितना ईजी है।
जब कभी हमें भूख लगती है और हमारे पास टाइम भी कम रहता है तो हम कुछ भी स्वीट्स या फिर केक्स खा लेते हैं, लेकिन उसके जगह आप 10 मिनट का यूज करके इस हेल्दी सा रेसिपी को बना सकते हैं जो कि हमारे बॉडी के लिए बहुत ही फायदेमंद है। तो आप इस रेसिपी को बनाएं, खाएं और मुझे कमेंट करके बताएं आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अगर आज की रेसिपी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।